आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18:1-11 पद। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु उन बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नाजरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाजरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसीलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो जाए जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखूस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? परमेश्वर यही चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार एक महिमा का जीवन बिताएं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रात दिन परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है। ध्यान करना सिर्फ इतना नहीं है, उस परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलने वाले आशीष को पाने के लिए हर रोज हमें कबूलियात करना पड़ेगा। एक एक वचन को लेकर हम अपने जीवन में कबूलियात करने का समय परमेश्वर के वचन, जीवित वचन हमारे अंदर काम करते हमारे जीवन को महिमावन जीवन बना देगा। इसलिए हम हर रोज हर दिन परमेश्वर के वचन को याद करेंगे। परमेश्वर के वचन को हम अपने एक एक जगह पर कबूलियत करेंगे। हम अपने जीवन में एक महिमा को लाएंगे। परमेश्वर के नाम को हम महिमा करेंगे। इसी रीति से आज ही हम योहान 18:1-11 तक हम ध्यान करने वाले हैं। यीशु मसीह की अंधेराते में हुआ वह बात है। यीशु मसीह केद्रोन करके नाले के पास जा रहा है। वहां पर एक जगह था, वहां पर ये लोग प्रार्थना करने के लिए चाहता था। वो जगह में यीशु मसीह अकेला नहीं जा रहा, उनके साथ उनका चेले लोग भी जा रहा था। उस जगह को यहूदा भी जानता था, क्योंकि यीशु मसीह इसके पहले जब प्रार्थना करने के लिए चाहते थे तभी यहूदा को भी बुला के लेके जाता था। इसलिए यहूदा ने क्या कर रहा है, सेने लोगों के साथ उनको पकड़ने के लिए जा रहा है। कैसे जा रहा है? सेने लोगों के साथ हथियार, दीपक और बड़ी एक सेना के साथ वहां पर यहूदा जा रहा था यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। यीशु मसीह सब बात को जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर सामने जाके पूछा उन लोग से, आप किसको ढूंढ रहे हो करके। तुरंत सेने लोगों बोला, यीशु मसीह को हम ढूंढ रहे हैं ऐसा करके। तुरंत यीशु मसीह ने बोला, मैं हूँ यीशु मसीह हूँ ऐसा करके। तुरंत वहां पर खड़ा रहने वाला सब लोग पीछे से गिर गया। इतना भी यीशु मसीह नहीं छोड़ा, फिर से भी पूछ रहा था, आप लोग किसको ढूंढ रहे हो करके। तुरंत बोला, हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे करके। फिर से यीशु मसीह बोल रहा, मैं हूँ वो यीशु है ऐसा करके। यीशु मसीह को कितना हिम्मत देखिए। हमारी परमेश्वर हिम्मत वाला परमेश्वर है, वो कभी किसी से भी नहीं डरता है। कारण क्यों? वो अपना परमेश्वर के सामर्थ्य को यीशु मसीह जानता था। इसलिए क्या होने वाला करके सारी बात तो यीशु मसीह को पता है, फिर भी सामने से जाके बोल रहा है, मैं हूँ यीशु मसीह हूँ ऐसे करके। यीशु मसीह को कितनी अच्छे परमेश्वर है, कितना भलाई परमेश्वर है, कितना अच्छा अच्छा काम को किया, कई लोगों को भलाई किया है, कई बीमारी लोगों को चंगाई किया है, कई बुंगा वाले को बोलने दिया है, कई बड़े बड़े चमत्कार को किया है, लेकिन उनको पकड़ने के लिए कैसे जा रहा है, एक बड़ी सेना जा रहा है। ऐसे एक बहुत ही गलत काम किया हुआ इंसान को पकड़ने वाला जैसे वहां पर ये लोग जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह वहां पर शांति का परमेश्वर है, एक महिमा की परमेश्वर है और सबसे बढ़कर सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वहां पर सामने से बोल रहा, मैं ही यीशु, मेरे वजह से मेरे साथ रहने वालों को कुछ नहीं करना, जो भी करना मुझे करना ऐसा करके वो सामने से जा रहा है। कितना एक हिम्मत वाला जीवन, वो इंसान को कभी नहीं डरता, इंसान की बातों में कभी ध्यान भी नहीं देता, कभी इंसान को सोच विचार को कभी आदर भी नहीं करता, इंसान के ऊपर वो कभी भरोसा भी नहीं करता। इतना हिम्मत से यीशु मसीह ने जीवन बिताया। आज ही हम भी एक इंसान को डरने के बगैर हम जीवन बिताना चाहिए। यीशु मसीह एक बड़ी सेना के सामने हिम्मत से अकेला खड़ा होकर अपना अपने को प्रकट कर रहा है। आज भी हम अपना आत्मिक जीवन को ध्यान देना जरूरी है। हम परमेश्वर के लिए डरते हैं क्या?
हम इंसान के लिए डरते हैं क्या करके, इंसान के लिए हम डरेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही धोखा खाना हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल जीवन रहेगा। इसलिए हम इंसान के लिए डरना नहीं चाहिए। नीति वचन 29:25 इस रीति से कहता है, मनुष्य को भय खाना फस्ता हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका ध्यान ऊंचा किया जाएगा। हम इंसान के ऊपर भय रखेंगे तो हम फंस जाते हैं। उस इंसान के डर हमारे जीवन को बिगाड़ देता है, हमारे जीवन को दुख और निराश में लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर और हम भय रखेंगे तो परमेश्वर हमको महिमावान जीवन में हमको बुलाता है। इंसान के लिए हम कभी डर नहीं रखना चाहिए। यीशु मसीह कभी इंसान के लिए नहीं डरता है। इसलिए वहां पर इतनी बड़ा सेना आया फिर भी हिम्मत से बोल रहा मैं ही हूँ यीशु मसीह, ऐसा करके। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, हम मसीह के अंदर रह रहे हैं, हम किसी भी बात के लिए इंसान की बात में हमें डरना नहीं चाहिए। किसी भी बड़ा बात आएंगे भी हम परमेश्वर के ऊपर हमें डर रखना चाहिए। हमारे परमेश्वर के ऊपर हमको एक अच्छा विचार, परमेश्वर के ऊपर हमको एक अच्छा सोचे रहना बहुत ही जरूरी है। इन दिनों में हम अपना जीवन को थोड़ा देखेंगे, हम इंसान के और डर रखें क्या, परमेश्वर की और डर रखें क्या करके। अगर हम परमेश्वर की और भय रखने से हमको आशीष सामर महिमा में जीवन हमको मिलेगा। इतना भी नहीं है, परमेश्वर के ऊपर डर रखने से हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से आगे जाएगा। यीशु मसीह यहाँ पर इसलिए परमेश्वर के ऊपर उसने हिम्मत रखा, परमेश्वर के ऊपर उसने भय रखा, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास रखा। इसलिए इंसान के लिए कभी डरा नहीं है। कारण क्यों? इंसान को बनाया हमारी परमेश्वर है। इंसान को परमेश्वर बनाए तो इंसान के सामर्थ बहुत ही छोटा है, हमारे परमेश्वर की सामर्थ सबसे बड़ा है। वो परमेश्वर हमको हिम्मत देकर एक अच्छा जीवन बिताने के लिए हमको बुलाया है। इसलिए हम अपने अपने को समर्पण करेंगे। इन दिनों में हम परमेश्वर के लिए डर रहे हैं क्या, नहीं तो हम इंसान के लिए डर रहे हैं क्या करके। भजन संहिता 19:9 इस रीति से कह रहा है, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रखता है। यहोवा की नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मीमय है। यहोवा की भय एक पवित्र है, पवित्र डर हमारे अंदर आना चाहिए। इंसान के ऊपर जो डर रखते हैं वो हमारा जीवन को फंसाता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से हमारा डर रहेगा तो परमेश्वर हमारा जीवन को बचाता है, हमारा जीवन को संभालता है, हमारे जीवन को रक्षा करता है। क्यों? हमारे ऊपर परमेश्वर बहुत ही प्यार कर रहा है। यीशु मसीह अपने पिता को जानता था, अपने पिता की सामर्थ्य को जानता था, इसीलिए वो इंसान की बातों में, इंसान की कामों में वो भरोसा नहीं किया। इंसान के ऊपर वो डर भी नहीं रखा, वो अपना परमेश्वर के ऊपर सिर्फ डर रखा। इसलिए हिम्मत से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चाहता था। ये आज भी हम अपना इच्छा को पूरा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा क्या करके हम जानते हुए परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से हमारा जीवन एक महिमा का जीवन रहता है, एक खुशिया का जीवन रहता है, एक अनेक लोगों को आशीष का कारण बनता है। इसलिए पहले हम परमेश्वर के ऊपर हमें डर रखना बहुत ही जरूरी है। नीति वचन 8:13 इस रीति से कहता है, यहोवा की भय मानना बुराई से बैर रखना है। गमन अहंकार और बुरी चाल से और उलट फिर की बातों से भी फेर रखती है। हमें परमेश्वर से भय रखने से हमको क्या होता है, बुराई से बच जाते हैं हम लोग, बुराई में से हम निकल जाते हैं, बुराई में से हम रहता नहीं हो। इस रीति से उस दिन यीशु मसीह अपने अपने को इनकार किया होगा तो हमारे लिए उधार नहीं मिलता होगा। इसलिए यीशु मसीह हिम्मत से हमारा उधार की खातिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना करके इंसान के ऊपर थोड़ा भी डर नहीं रखा। अगर वो सेवक लोग आके पूछ रहे यीशु मसीह से, यीशु मसीह किधर है, मैं उसको पकड़ने के लिए आया हूँ, अगर उस समय पर यीशु मसीह एक शब्दों में से मैं यीशु मसीह नहीं हूँ करके बोला होगा तो क्या हो जाता था? आज ही मानव जाति के लिए उधार नहीं मिलता। लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता, परमेश्वर ने जो दिया है बर्तन को वो खाना चाहता था, उस बर्तन में से पीना चाहता था। इसलिए हिम्मत से बोला मैं हूँ यीशु मसीह, ऐसा करके। ऐसे एक हिम्मत वाला जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। ऐसे जीवन हम कैसे बिता पाएंगे? पहले परमेश्वर के बारे में हमको एक अच्छा विचार होना चाहिए, उनके प्यार के बारे में एक अच्छा विचार हमारे अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर परमेश्वर के पूरा प्यार आ जाता है तब हमारे अंदर से भय निकल जाता है। पहले योहन्ना का किताब 4:18,
प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को क्या कर देता है, दूर कर देता है। अगर हम अपने परमेश्वर के ऊपर अगर अच्छे रीति से विश्वास रखते हैं, उनका प्यार में हम बढ़ते हैं, हमारे अंदर से भय दूर कर देता है। यीशु मसीह के अंदर ये एक विश्वास था, मेरा परमेश्वर मेरे से बहुत ही अच्छे से प्यार कर रहा है, मेरा पिताजी मेरे से बहुत ही अच्छे से प्यार कर रहा है करके एक विश्वास था। इसलिए वो इंसान की बातों में नहीं गिरा, इंसान के ऊपर वो भरोसा भी नहीं रखा। इसलिए आज ही हम अपने जीवन को भी इस रीति से देखेंगे, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहे हैं क्या, इंसान के ऊपर विश्वास रख रहे हैं क्या करके। क्यों, कारण क्यों, परमेश्वर हमको ऐसे नहीं बुलाया है एक डर के बगैर जीवन बिताने के लिए, हमको परमेश्वर बुलाया है। इस संसार में कई सारे बात हमको डराता है, कई सारे बात हमको दुख देता है, कई सारे बात हमारा जीवन को नुकसान करने के लिए खड़ा रहता है। ये सारे में से हमको जय लेना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हमें परमेश्वर की प्यार में हमें बढ़ना बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर के प्यार में नहीं बढ़ते तो हम डर में रहेंगे। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार आना बहुत ही जरूरी है। आपको और मुझे परमेश्वर अपना महिमा के जीवन बिताने के लिए बुलाया, एक आश्चर्य और अद्भुत रीति से जीवन बिताने के लिए हमको परमेश्वर बुलाया। हमारा जीवन में कमी कटी के साथ, बीमारी के साथ, दुखी के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, एक हिम्मत के साथ सभी अंधकार की ताकत के ऊपर जय लेते हुए, सारी ताकत के ऊपर विजय लेते हुए एक महिमा का जीवन बिताना करके परमेश्वर की इच्छा है, उसका हमें पूरा करना है। कारण क्यों, परमेश्वर हमको पहले पसंद करके रखा, हमारा जीवन को हम जन्म होने से पहले हमको पसंद करके रखा। इसलिए हमको पसंद के इतना भी नहीं है और हमको बुलाया भी गया है, और हमको बुलाया तो धर्मी ठहरा कर हमको एक महिमा वाला जीवन बिताने के लिए हमको बुलाया है। हम उस महिमा वाले का जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के प्यार में हमें भरना जरूरी है, परमेश्वर के प्यार को हमें महसूस करना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना बहुत ही जरूरी है। रोमियो 8:30, फिर जिनको उसने पहले से ठहराया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया है, और जिनको धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी है। हमको परमेश्वर धर्मी ठहरा इतना भी नहीं है, हमको एक महिमा का जीवन बिताने के लिए बुलाया, एक महिमा दिया है, उस महिमा में हमें जाना चाहिए। जैसे यीशु मसीह वहां पर इंसान की बातों में गिरा नहीं है, इंसान के ऊपर डर नहीं रखा, इसके लिए आज परमेश्वर उनको महिमा देकर सारे पृथ्वी को घुटनों को टेक कर उनकी और प्रार्थना करने के लिए एक महिमा वंद जीवन यीशु मसीह को दिया है। तो अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हमको भी परमेश्वर इस एक महिमा का जीवन के लिए बुलाया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के प्यार में हमें बढ़ना, परमेश्वर के ऊपर एक अच्छा विचार में हमें रहना है। परमेश्वर के बारे में हमेशा हमारे अंदर एक अच्छा विचार होना चाहिए, वो हमेशा हमारे ऊपर प्यार कर रहा है, ऐसे एक विश्वास हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। इतना भी नहीं है, उसके प्यार में हमें भरपूर होना है, उस प्यार में हमें पूरा होना है, उस प्यार में हमें सिद्ध होना है। जैसे हम होते जाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ्य को हम अपने जिंदगी में अनुभव कर सकता है। आज ही परमेश्वर अपना जीवन को लेकर उनके पास हमको बुला रहा है। इसलिए हमें जाने से पहले हम एक बार हम अपने जीवन को देखेंगे, हम परमेश्वर के प्यार में बढ़ रहे हैं क्या, नहीं तो दुनिया की प्यार में हम बढ़ रहे हैं क्या, हम परमेश्वर की ओर अपना विचार रखें क्या, दुनिया की ओर हमारा विचार रखें क्या, और हम किसके लिए डर रहे हैं, इंसान के लिए डर रहे हैं क्या, परमेश्वर के लिए डर रहे हैं क्या करके एक बार हम अपना जीवन को देखेंगे। परमेश्वर को हम अपना जीवन को पूरा समर्पण करेंगे, प्रभु मैं मेरा जीवन को आपको प्यार में हमेशा बढ़ते रहे, आपका प्यार में मैं बढ़ते रहे, आपका प्यार के अंदर में रहे, आपका प्यार मेरे अंदर सिद्ध होते रहे, आपकी जो इच्छा है उसको मैं पूरा करें, मुझे जिस बात के लिए बुलाया है उस बातों के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, एक महिमा का जीवन के लिए आप मुझे बुलाया, उस जीवन बिताने के लिए मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ करके हम पूरा समर्पण के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे।
वो परमेश्वर किसी को भी डांटने वाला नहीं है, किसी को भी इनकार करने वाला नहीं है, किसी को भी धक्का देने वाला नहीं है, सभी के ऊपर प्यार करने वाला परमेश्वर। इस जगत के ऊपर इतना प्यार किया, अपना एकलौता बेटा भेज दिया ताकि उस पर जो विश्वास करें नाश ना हो जाए, अनंत जीवन पाए करके। इतना महान एक प्यार है हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर रखा है, उस प्यार को हमें अपने इन दिनों में अपना जिंदगी में अनुभव करेंगी। एक एक दिन हर रोज हम परमेश्वर के प्यार का अनुभव करने के लिए हर रोज हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका प्यार की ऊंचाई गहराई लंबाई चौड़ाई और भी आप मेरे लिए रखा हुआ आशीष को मैं अनुभव करने के लिए आत्मिक आंखों को खोलिए करके हम प्रार्थना करेंगे। तभी परमेश्वर हमारा आत्मिक आंखों का खोलेगा, हमको पता चलेगा परमेश्वर हमसे कितना प्यार किया है करके। अपना एकलौता बेटा दे दिया हमारे खातिर, हमारे पापों का खातिर, हमने किया वो बुरे काम के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे लिए यीशु मसीह को दिया है। हम किसी भी बात के लायक नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर प्यार करते हुए परमेश्वर अपने एकलौते बेटे को दे दिया। इस बात के ऊपर हम विश्वास करेंगे, पूरा पूरा करेंगे ताकि हमको पता चलेगा हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार किया है करके। हमको एक महिमा का जीवन के लिए बुलाया, जैसे यीशु मसीह को महिमा दिया, आज ही परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ, उसी रीति से परमेश्वर हमको एक महिमा जीवन देना चाहता है। महिमावंत जीवन बिताने के लिए हमको परमेश्वर बुलाया, हमको पहले से नियुक्त कर दिया, पहले से हमको ठहराया, सिर्फ इतना नहीं हमको बुलाया, हमको धर्मी बनाकर आज ही एक महिमा दे रहा है। उस महिमा को हमें पाना है, इसलिए हम अपने अपने को समर्पण करेंगे परमेश्वर से। प्रभु जैसे यीशु मसीह ने इंसान की ओर नहीं डरा, आपके डर को माना, आपके ऊपर भरोसा रखा, आपके ऊपर विश्वास रखा, आप ही है उनके लिए सब कुछ सब बना है, उसी रीति से आज ही हम अपने जीवन को समर्पण करता हूँ। आप ही मेरे लिए सब कुछ बने, आप ही मेरे लिए रहें, आप मेरे लिए सब कुछ करें, आप ही मेरे लिए रहें, मैं आपके ऊपर चले, आपके ऊपर रहें, आप जो करना चाहते हैं उसी को मैं पूरा करें। इस रीति से हम अपने अपने को समर्पण करेंगे। परमेश्वर जो बुलाया है, परमेश्वर हमके लिए नियुक्त करके रखा हुआ एक अच्छा जीवन हम बिताएंगे, इसके लिए हम अपने अपने को समर्पण करेंगे। अभी तक जो भी हम डर के लिए जगह दिया होगा, जो भी बात के ऊपर भरोसा किया होगा, वो सारी बात का दूर करते हुए परमेश्वर हमारे आशीषमय जीवन हम बिताएंगे। परमेश्वर हमके लिए रखा हुआ एक महिमा का जीवन को हम बिताएंगे, इसलिए हम अपने समर्पण करेंगे। अभी तक जो भी बात के लिए हम डरा होगा, वो सारे बात को दूर करते हुए आज ही से हम परमेश्वर की बात में डरेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर बात जो कहता है परमेश्वर के ऊपर डर रखेंगे ताकि हम बुराई में से बच सकें, बुराई में से हम दूर हो सकें। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करके हमको आशीष करने के लिए तैयार है, इसलिए हम अपने अपने को समर्पण करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग प्रति को बनाए परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। जैसा यीशु मसीह इंसान के लिए नहीं डरा, वैसा हम भी इंसान के डर की बाहर आपकी ओर डरते हुए हम अपना जीवन को बढ़ाने के लिए आप हमको मदद कीजिए। अभी तक संभाला परमेश्वर, अभी तक मदद किया परमेश्वर, अभी तक रक्षा किया परमेश्वर, आगे भी आपकी जो इच्छा है उसके मैं पूरा करने के लिए आपने हमको रखा हुआ महिमावंत जीवन बिताने के लिए हम अपने आपको समर्पण करते हैं प्रभु। उसके लिए हमें लायक बनाइए, आपका अनुग्रह की एक महिमा को हम अपने जीवन में पाने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं और जो भी ये वचन को सुन रहा है उन सबको आशीष कीजिए। आपका आशीष हमारा ऊपर हमेशा बने रहे, आपके हाथों में सारी बात को हम समर्पण करते हैं। चलाइए यीशु मसीह के पवित्र उच्च नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।